अब नेक्स्ट वन दिस इज द एग्जांपल बेस्ड ऑन एरे एंड पॉइंटर प्रॉपर्टीज। केस में चेक आउट करोगे, सिंपली मैंने एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है, इसे एरे के रिस्पेक्ट में इसमें एक फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया m1। m1 के केस में टोटल आर्गुमेंट्स कितने रिक्वायर्ड हैं? 4 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट केस में मैंने सप्लाई किया है जस्ट आर्गुमेंट टाइप इज कैर p5। इस केस में मीन्स टोटल 4 आर्गुमेंट्स है p q r n s। लेकिन आप चेक कर सकते हो जैसे इस फंक्शन को कॉल कर रिमेनिंग केस मैंने जस्ट कमेंट्स में प्रोवाइड किए। आपको कॉन्सल्टेट करना ओनली फर्स्ट केस में फर्स्ट 3 केसेस मैंने पास क्या किया, एम इज फाइनली। इस केस में पास किया रहा एड्रेस ऑफ दैट एरे। इसे एरे के रिस्पेक्ट में बात करें तो एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 एलिमेंट्स। लेकिन इसका साइज क्या है? 10 bytes। क्लियर? तो 10 bytes के एड्रेस को होल्ड करने के लिए या तो आपको ऐसा पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा जिसके थ्रू होल कंप्लीट ब्लॉक पॉइंट करना पॉसिबल, या फिर ओनली बिगिनिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट केस में जैसे मैंने पास किया ए और ए के प्लेस पर सप्लाई किया हो जाएगा इसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट मीन्स एड्रेस ऑफ 2 bytes। सेम एज इन सेकेंड केस और थर्ड केस। इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम। लास्ट केस में मैंने सप्लाई किया एड्रेस ऑफ ए मीन्स होल एरे का एड्रेस। होल एरे का साइज क्या है? 10 bytes। तो यहाँ एड्रेस कितने bytes के पास हो रहा है? 10 bytes का। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी आप किसी एरे को फंक्शन आर्गुमेंट में डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन आर्गुमेंट्स के केस में एरे डिक्लेरेशन इंटरनली कन्वर्ट किस फॉर्म होता है? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन। मीन्स आपको कैर p5 सिंटैक्टिकली पी का है इस केस में लाइक एरे, लेकिन रियल केस में पी कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। मीन्स इसका इंटरनल कन्वर्जन क्या रहेगा? कैर स्टार पी। मीन्स रियल में या डिक्लेरेशन या सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपको एरे, लेकिन इंटरनल इम्प्लिसिट कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग पी क्या हुआ? एरे और पॉइंटर। तो इसके इसमें पी का साइज क्या डिस्प्ले होगा? व्हाट इज द साइज ऑफ पी? पी अगर पॉइंटर है तो साइज क्या डिस्प्ले होना चाहिए? जस्ट 2 bytes। नेक्स्ट केस क्यू। क्यू के केस में बात करें जस्ट प्रोवाइड किया एरे डायमेंशन, लेकिन इसका भी इंटरनल कन्वर्जन किस फॉर्म होगा? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स क्यू। तो क्यू अगर पॉइंटर है तो क्यू का भी साइज क्या होगा? ऑल्सो 2 bytes। क्लियर? सेम एज आर। आर मैंने डायरेक्टली डिफाइन किया जाए पॉइंटर, तो आर का भी साइज क्या होगा? ऑल्सो 2 bytes अकॉर्डिंग टू 16-bit सी कंपाइलर। चेक करो इस केस में पी क्यू आर के केस में पास क्या हो रहा है? इसे एरे का एड्रेस, यानी टाइप मिस्टेक किया है। पॉइंटर एड्रेस किस टाइप का पास हो रहा है? जस्ट इंटीजर टाइप का। तो पॉइंटर्स के भी टाइप या एरे के भी टाइप के डिफाइन करेंगे एज अ इंटीजर। जस्ट राइटिंग मिस्टेक है। int, 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 int again, int। Then next one, finally, first 2-3 cases में जस्ट पास क्या हो रहा है? एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या होगा? टाइप क्या है? इंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या होगा? 2 bytes। इसलिए इन पॉइंटर्स के थ्रू भी कितने bytes पॉइंट करना पॉसिबल है? एग्जैक्टली 2 bytes। मीन से पॉइंटर कन्वर्जन किस में हो रहा है? इन द फॉर्म, सॉरी, ये पर्टिकुलर एरे डिक्लेरेशन कन्वर्ट किस फॉर्म में गया? पॉइंटर डिक्लेरेशन। लेकिन लास्ट केस में अगर आप कॉन्सल्टेट करो, लास्ट केस में जैसे मैंने डिक्लेयर क्या किया है? पॉइंटर टू एन एरे। एस के एस केस में एस अगेन पॉइंटर है, अगर एस पॉइंटर है तो एस का भी साइज क्या आएगा? ऑल्सो 2 bytes। लेकिन एस किस टाइप का पॉइंटर? ऑर्डिनरी पॉइंटर। और पॉइंटर टू एन एरे, पॉइंटर टू एन एरे, इस पॉइंटर के थ्रू किसी भी एरे के बिगिनिंग और गिवन 5 एलिमेंट्स पॉइंट करना पॉसिबल है। प्लस एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप का होना चाहिए? शुड बी इंटीजर। तो फाइनली कितने bytes पॉइंट करेगा? 5 × 2 = 10 bytes। क्लियर? तो इस केस में जस्ट पास क्या हो रहा है? एड्रेस ऑफ 10 bytes। तो फर्स्ट केस में क्या रहा है? 2 2 2। नेक्स्ट वन स्टार पी, पी क्यू आर, तीनों ही केसेस में इनका टाइप क्या? पॉइंटर। इन पॉइंटर्स के थ्रू इंटीजर टाइप्स के पॉइंटर्स है, कितने bytes पॉइंट करना पॉसिबल? 2 2 bytes। तो इसलिए स्टार पी, स्टार क्यू, स्टार आर का भी साइज क्या है? ऑल्सो 2 bytes। लेकिन एरे एस कितने bytes को रेफर करेगा? मीन्स 5 integer elements मीन्स 10 bytes। तो इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या होगा? एग्जैक्टली 10। तो इस प्रोग्राम के केस में अगर बात करें आउटपुट के अकॉर्डिंग, आउटपुट क्या प्रिंट होगा? 2 2 2। नेक्स्ट केस में 2 2 2 10। यहाँ इंपॉर्टेंट केस क्या है? जब भी आप किसी एरे का बेस एड्रेस एम्परसेंट ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो, देन इस केस में करेस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट का टाइप क्या होना चाहिए? पॉइंटर टू एन एरे। दिस इज द परफेक्ट डिक्लेरेशन फॉर पॉइंटर टू एन एरे और अ फंक्शन पासिंग एड्रेस ऑफ एरे। इस केस में पास क्या हो रहा है? होल एरे का एड्रेस। और बिगिनिंग थ्री केस में पास क्या हो रहा है? जस्ट फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास करो, देन इस केस में सिंपली पॉइंटर डिक्लेरेशन सफिशियंट है। बट सपोज दैट अगर आपने होल एरे का एड्रेस पास किया है, करेस्पॉन्डिंग पैरामीटर टाइप क्या होना चाहिए? शुड बी पॉइंटर टू एन एरे। सेकेंड केस में अगर कॉन्सेंट्रेट करें, इस केस में जैसे मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है, फर्स्ट यहाँ एड्रेस एम्परसेंट है, ऐसे क्या रिप्रेजेंट हुआ तीनों केसेस में? होल एरे का एड्रेस मीन्स 10 bytes का एड्रेस।
लेकिन इस केस में 10 बाइट्स का एड्रेस आसानी के हो रहा है सिंपल पॉइंटर्स में, और इन सिंपल ऑर्डिनरी पॉइंटर्स के थ्रू ओनली 2 बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल है, इसलिए असाइनमेंट कैसा है इनवैलिड। या तो इस केस में आपको टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होगा, लास्ट केस कैसा वैलिड, लेकिन बिगनिंग 3 केस कैसे इनवैलिड। इस केस में बिगनिंग 3 केस वैलिड है लेकिन लास्ट केस कैसा इनवैलिड, क्योंकि इस पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स एक्सपेक्ट हो रहे हैं 10 बाइट का एड्रेस, लेकिन आप पास क्या करो ओनली 2 बाइट का एड्रेस, इसलिए असाइनमेंट भी मीन पासिंग भी कैसा ऑल्सो इनवैलिड। क्लियर, लास्ट केस कॉन्सेंट्रेट कर, लास्ट केस में बिगनिंग 3 केस वैलिड है और लास्ट केस भी वैलिड, मैंने डायरेक्टली ए पास किया लेकिन ए को ए से क्या प्रिंट हुआ 2 बाइट्स का एड्रेस, लेकिन इसको टाइप कास्ट किसमें क्या कराया पॉइंटर टू एन एरे, मीन टाइप कास्टिंग करा के भी पास करना पॉसिबल है। फाइनली आपको कॉन्सेंट्रेट करना था ओनली फर्स्ट केस, फाइनली आउटपुट क्या है दैट वन।